मेरे कुछ पूर्व छात्रों ने पॉलिसी या भारतीय विदेश नीति पर अपने विचार कुछ व्यक्त किए। इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय विदेश नीति एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और इस पर बड़ी गहराई से बात करने की ज़रूरत है। मैं इसे अभी भी समझने और समझाने की कोशिश करता रह रहा हूँ और मेरा ये प्रयास है कि मैं कुछ चीज़ों को निकाल करके सामने रख पाऊँ। भारतीय विदेश नीति 32 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई उस भारतीय जनता के एस्पिरेशंस को फुलफिल करने वाली विदेश नीति आज बनी हुई है और इसके पीछे लंबी साधना, व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास और त्याग और समर्पण की भावना इसके पीछे रही है। भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि मुझे जहाँ तक ये बात समझ में आती है कि भारतीय विदेश नीति का एक सबसे ज्वलंत जो उज्ज्वल पहलू है वो है कि ये एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रही है हमेशा से। न तो हम अवसरवादी हुए और न ही हम किसी राष्ट्र के पिछलग्गू साबित हुए। हमने हमेशा ही सर उठा करके गर्व के साथ जीना सीखा है और कोई हमें ये नहीं कह सकता, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो और कोई भी देश हो, कि ये मेरे साथ किसी तरह का ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो किसी जिम्मेदार राष्ट्र की तरह से नहीं हो सकता है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आज हम जिन दो मुद्दों को उठाएंगे वो है, एक तो भारतीय विदेश नीति के मूल उद्देश्य क्या है और दूसरा किसी भी विदेश नीति का कुछ न कुछ आधारशिला होता है। जिस प्लिंथ पर वो स्ट्रक्चर खड़ा है उसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूँगा। सबसे पहले हम उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। भारतीय विदेश नीति का सबसे पहला उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सौहार्द बना रहे। दूसरा जो सबसे बड़ा मोटो है, ऑब्जेक्टिव है, कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं उनका समाधान मध्यस्थता के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। तीसरा जो गोल मुझे समझ में आता है वो है कि किसी भी सैनिक गुटबंदी से अपने आप को दूर रखना, और चौथा है किसी भी तरह की साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी और विस्तारवादी प्रवृत्ति को नकारना, उसकी भर्त्सना करना और उसकी अवहेलना करना और मौका पड़ने पर उसके खिलाफ मोर्चा खोलना। ये मेरी समझ में आता है। एक और चीज जो नई पड़ोस नीति जो निकली, जो बाद के दौर में भारतीय नेताओं द्वारा के प्रयासों द्वारा हुई, वो ये थी कि भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे भूटान हो, चाहे नेपाल हो या अफगानिस्तान हो, इन सभी देशों के साथ एक दूरगामी परिणाम को देखते हुए एक ऐसी नीति का को नियंत्रित करना, एक ऐसी नीति का खाका खींचना जो हमारे लिए फायदेमंद हो। अब बात आती है कि हमने ये फॉरेन पॉलिसी ईजाद की कैसे। इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है लेकिन इसके निर्धारक जो तत्व हैं वो कई हैं। सबसे पहले भौगोलिक एकता, भौगोलिक कारण, जिसे हम भू राजनीति भी कहते हैं। भौगोलिक अगर कारण देखा जाए या भौगोलिक कारकों की बात की जाए तो दो हम ये मानते हैं कि भारत एक अंतर्राष्ट्रीय चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ पश्चिम एशिया है तो दूसरी तरफ दक्षिण पूर्व एशिया है, एक तरफ चीन है तो नीचे दक्षिण की तरफ हमारे पास हिंद महासागर है। जब हिंद महासागर की हम बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि यह क्षेत्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि सारा संचार का मार्ग या व्यापार का मार्ग हम यहीं से करते हैं, क्योंकि उत्तर पश्चिमी सीमा, जिसे साइंटिफिक फ्रंटियर भी कहा जा सकता है, वो हमारे लिए हमेशा ही एक विवादग्रस्त या बड़ा ही सेंसिटिव क्षेत्र रहा है, बड़ा ही पॉलिटिकली वॉलेटाइल क्षेत्र रहा है आज से नहीं हजारों वर्ष से। तो वहां से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहां क्योंकि पाकिस्तान हमें कोई पारगमन मार्ग उपलब्ध नहीं कराता है,
लेकिन यहाँ से हिंद महासागर के थ्रू हम अपने व्यापार को, अपने संचार माध्यमों को लगातार और मुतमईन तरीके से, मुतवातर तरीके से हम जारी रख सकते हैं। तो इस वजह से भारत ने 1997 में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन नामक संगठन का, 13 अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर के इस संगठन को के साथ संगठन बनाया, और इसी के बाद 1997 में बिम्स्टेक नामक संगठन की स्थापना की, जो कि हिंद महासागर के तटवर्तीय जो क्षेत्र हैं या तटवर्ती जो देश हैं उनके साथ सहयोग लेते हुए, उनका सहयोग करते हुए हिंद महासागर से संबंधित सभी समस्याओं को सुलझाना और उन पर एक निगाह रखना। अगली बात ये सामने आती है कि इस महासागर क्षेत्र पर है, यानी हिंद महासागर पर चीन की गिद्ध नजर पूरी तरह से लगी हुई है। भारत ने 1999 में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में एक नौसैनिक कमांड की स्थापना की, और गौरतलब बात यह है कि यहीं से 40 किलोमीटर की दूरी पर चीन ने म्यांमार के कोको द्वीप में अपना एक नौसैनिक अड्डा खोल दिया है। यह हमारे लिए चिंताजनक बात है। हिंद महासागर में ही डिएगो गार्शिया नाम का द्वीप है जहां पर अमेरिका अपना नेवल अड्डा स्थापित कर चुका है, और इस तरह से हम माने तो यह क्षेत्र बहुत ही सेंसिटिव है और इस वजह से भारत इस पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है और जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ मिलकर के इस क्षेत्र को किसी भी आक्रांता की नज़र से बचाए रखना चाहता है। दूसरा, अगर हम भौगोलिक कारकों में से दूसरा कारक देखें तो वो है हिमालय का क्षेत्र। 2400 किलोमीटर लंबा रेंज और 150 से लेकर 400 किलोमीटर रेंज का ये क्षेत्र एक सजग प्रहरी के तौर पर भारत की हमेशा रक्षा करता रहा है। लेकिन गत दो वर्ष बीतने को नहीं आए गलवान घाटी में जिस तरह से भारत और चीनी सैनिकों की झड़प हुई, उससे ये क्षेत्र और ज़्यादा हमारे लिए सेंसिटिव और संवेदनशील और केंद्र में आ गया है। अब भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, चीन जैसे देशों के साथ हम हिमालय में अपना क्षेत्र, अपनी सीमा साझा करते हैं, और यहीं पर यह भी देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे विवाद, चीन ने 1962 के युद्ध के बाद इस क्षेत्र का भरपूर दोहन किया है, लद्दाख और तिब्बत में अपने रसूख को उसने स्पष्ट अपने रसूख को और बढ़ाते हुए, अपनी ताकत को दिखाते हुए उसने सिक्यांग से लेकर के राजमार्ग तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। फिंगर 1, 2, 3, 4 के बाद फिंगर 8 तक वो गलवान घाटी में असरदार होना चाहता है। इन सभी के बीच मैं ये कह सकता हूँ कि भौगोलिक क्षेत्र बहुत ज़्यादा असर डालता है फॉरेन पॉलिसी पर। फॉरेन पॉलिसी का दूसरा जो निर्धारक तत्व है वो है जनसंख्या। जब हम आज़ाद हुए तो अंग्रेज़ों ने हमें एक चुसे हुए आम की गुठली की तरह फेंक करके रखा था। न तो हमारे पास अपने विपन्न और गरीब जनता को खिलाने के लिए भोजन, पर्याप्त भोजन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ था नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं था, और बंदूक और टैंक तो खैर दूर की बात है, हम खस्ता हाल में थे। ऐसी स्थिति में हमारी जनता ने के सामने एक व्यक्तित्व उभर करके सामने आया और वो थे पंडित नेहरू, जो हमारे स्वतंत्र और अलहदा और मुख्तलिफ किस्म के विदेश नीति के पैरोकार थे, आर्किटेक्ट थे। इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि तीसरा तत्व है राष्ट्रीय हित। किसी भी देश का राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है और हमारे फॉरेन पॉलिसी में राष्ट्रीय हित के दो पहलू हैं। राष्ट्रीय हित दो तरह के होते हैं, स्थायी राष्ट्रीय हित और अस्थायी राष्ट्रीय हित। स्थायी राष्ट्रीय हित जैसे देश की अखंडता और सुरक्षा से संबंधित, और अस्थायी जैसे विदेशी मुद्रा, पूंजी या विनिवेश या इस तरह की चीजें। हमने हमेशा राष्ट्रीय हित को अपने प्राथमिक रखा है। शायद यही कारण था कि यूएनओ में अभी यूक्रेन और रूस के मुद्दे पर जब वोटिंग हुई
तो भारत तटस्थ रहा, न उसने यूक्रेन यूक्रेन के खिलाफ बोला और न उसने रूस को ही कंडेम किया, और सभी ने इस उसके इस स्टैंड की प्रशंसा की, इसलिए क्योंकि हमारा राष्ट्रीय हित जिसमें है, रूस के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, मित्रतावश के संबंध रहे हैं, और यूक्रेन हमारा एक हमारे साथ एक इमोशनल अटैचमेंट रहा है, यूक्रेन भी हमारा साथ ही रहा है, तो हम दोनों के खिलाफ नहीं हो सकते, ये राष्ट्रीय हित की बात है। तो राष्ट्रीय हित की बात को सर्वोपरि रखा है भारतीय विदेश नीति के निर्माताओं ने, हमारी राष्ट्रीय हित स्वाधीन राष्ट्रीय हित के संदर्भ में जब हम बात करें तो हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा स्वाधीन रही है। जब हम आजाद हुए तो हम हीन नहीं रहे, हमने कभी हीनता का अनुभव नहीं किया आजादी के बाद, हमने हमेशा गुटबंदी से दूर रखा अपने आप को, जो कि तीसरा कारक है गुटबंदी। कोल्ड वॉर का जमाना था और 1945 के बाद रूस सोवियत संघ और अमेरिका के रूप में दो गुट सामने आए थे, लेकिन हमने किसी भी गुट में जाना स्वीकार नहीं किया, और पंडित नेहरू ने एक अलहदा किस्म की फॉरेन पॉलिसी तैयार की जो गुट निरपेक्ष थी। कारण का विचार अगर हम करें तो हम ये पाते हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम किसी गुट के दबाव में आकर के उसकी उस तब तक सहायता करें, क्योंकि हम खुद विपन्न थे, हमें अपने आप को एक तरह से रिजुनवेट करना था, अपने आप को रिफॉर्म करना था, वो ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे थे, तो एक संक्रमण का काल था। ऐसी स्थिति में हमने हमेशा गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। इसके बाद एक और कारक है और वो है सैनिक तत्व, सैनिक तत्व या सैन्य शक्ति के रूप में अगर हम देखें तो भारत एक दुर्बल राष्ट्र था आजादी के बाद, लेकिन धीमे धीमे ही सही हमने अपने जीडीपी का कुछ पार्ट, हमने अपने इकोनॉमी का अर्थव्यवस्था का कुछ भाग लगातार रक्षा सौदों रक्षा व्यवस्था में लगाया, और आज नतीजा ये है कि हम किसी के सामने छुप नहीं सकते, हमारी सामरिक हमारी जो सैनिक शक्ति है, सैन्य जो ताकत है वो इतनी इतनी मजबूत है कि हमें कोई अगर हरा नहीं सकता, तो ये हमारी हमारे सैनिकों के मनोबल की ओर बताता है। एक और चीज़ है और वो है हमारा ऐतिहासिक परंपरा। आज जिस साइंटिफिक फ्रंटियर की हम बात कर रहे हैं, उस साइंटिफिक फ्रंटियर को अचीव किया था, उस उत्तर पश्चिमी सीमा पर शांति स्थापित की थी और विवादहीन क्षेत्र बना दिया था सम्राट अशोक। आज वो हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है, कश्मीर के रास्ते और पाकिस्तान से लगे सीमा या अक्साई चिन से लगे सीमा के पास से हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन होता है, घुसपैठ होती है, आतंकी आते हैं, हम लगातार तबाह रहते हैं। लेकिन आज स्थिति क्या है, आज हम परेशान रहते हैं, लेकिन अशोक सम्राट अशोक ने उसको एक ही झटके में हल कर लिया था। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है अपने ग्रंथ में अर्थशास्त्र में कि किसी भी विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला यानी विजिगीषु जो है उसके लिए पड़ोसी के साथ संबंध बहुत मायने रखता है। इसी ग्रंथ में मंडल सिद्धांत में उसने कहा है कि राजा के शत्रु का शत्रु जो होता है वो मित्र। 3214 किलोमीटर की लंबाई है उत्तर से पश्चिम उत्तर से दक्षिण की तरफ, और 2933 किलोमीटर की लंबाई है इस भारत की ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और इसमें बसने वाले हर हिंदुस्तानी को अपने ऐतिहासिक विरासत पर घमंड है। उसका कारण ये है कि हमने चाहे वो हर्ष रहे हों, चाहे वो सम्राट अशोक रहे हों, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य रहे हों, चाहे वो समुद्रगुप्त हों, या बाद के वर्षों में चाहे वो राजपूत रहे हों या मुगल रहे हों, सबने एक अखंड भारत को बनाने की चेष्टा की। ये कुछ कारक हैं जिन पर हमारा
जिन पर हमारी फॉरेन पॉलिसी बेस्ड है। आज के इस वक्त में ये फॉरेन पॉलिसी और समृद्ध होती जा रही है। इसी बीच मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें कई चरण आए, जैसे 1947 के बाद हमारा देश जब स्वाधीन हुआ तो हम पंडित नेहरू का युग देखते हैं, उसके बाद इंदिरा गांधी का दौर देखते हैं, शास्त्री जी का दौर देखते हैं, राजीव गांधी का दौर देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का दौर देखते हैं और नरेंद्र मोदी का दौर देख रहे हैं। हम विभिन्न चरणों में विभिन्न एपिसोड्स पर इन पर कुछ ना कुछ बात करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने रियल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव को ठुकरा करके आदर्शवादी पॉलिटिकल आइडियलिस्टिक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव की तलाश की, क्योंकि पंडित नेहरू का ही कहना था कि आज का आदर्शवाद कल का यथार्थवाद हो। दूसरी बात यह है कि हम एक सम्मान और गौरवपूर्ण ढंग से जीते चले आए हैं और लगातार आक्रांताओं के पद द्वारा पद्दलित होने के बावजूद भी सीना थान कर खड़े हैं, तो इनमें हमारे फॉरेन पॉलिसी का बड़ा महत्व है और जो लोकतांत्रिक है, जो सह अस्तित्व और शांति की नीति पर आधारित रही है, जो बुद्ध के मध्यम मार्ग पर, गांधी की अहिंसा पर और नानक के मूल सिद्धांतों पर आधारित। आज के वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। शुक्रिया।